तो चोणा तो पहला आखिरी बजट सी ते इस करके वड्डे वड्डे ऐलान भी इस विच होए ने। साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि चोण वरा वेखते हुए कई स्कीम वधाई गई ने। बुढ़ापा पेनशन 750 तो 1500 रुपए कर दी गई है। सारिया सरकारी बसों महिलाओं मुफ्त सफर का ऐलान कर दिया गया। आशीर्वाद स्कीम 21,000 तो वधा के 51,000 कर दी गई है। खेत मजदूरों की कर्ज माफ़ी लिए 526 करोड़ रुपए रखे गए ने। इसी तरह किसानों की कर्ज माफ़ी लिए 1712 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो 1 जुलाई तो हूँ 6वें तनखा कमीशन का भी ऐलान कर दिया गया। तो वड्डे ऐलान होए ने पंजाब के बजट में, क्योंकि जाहिर जी गल है कि चोण वर है और लोगों नाल वड्डे वड्डे वादे किए गए हैं। लोगों को खुश करने की कोशिश आगे साल के जी है वो कांग्रेस सरकार वालों की गई है। वड्डियां गल्लां कहड़ियां ने, 10 वड्डे ऐलान कहड़े ने, तुहानूं दस्सदे आं। पंजाब दी सारियां सरकारी बसों च महिलावां नूं हुण मुफ्त सफर मिलेगा। दिल्ली विच पहलां हो चुक्या, हुण पंजाब दे विच वी कीता जा रहा है। बुढ़ापा पेनशन स्कीम जिहड़ी है उस नूं 750 तों वधा के 1500 रुपए दुगनी कर दित्ती गई है। बुढ़ापा पेनशन स्कीम आखिरी साल दे विच आशीर्वाद स्कीम जिहड़ी है उस नूं 21,000 तों वधा के सिद्धा 51,000 रुपए सरकार वल्लों आखिरी साल च कर दित्ता गया। तो आज़ादी घुलाटीए की पेनशन जी है वो पहला 7500 रुपए से, इस भी वधा के हूँ 9400 रुपए कर दिता गया। खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पंजाब तनखा कमीशन भी लागू करने का ऐलान कर दिता है। हालांकि ये हूँ अगे जुलाई जाके होएगा, 1 जुलाई 2021 तो इस लागू करने का ऐलान हो गया। किसानों मुफ्त बिजली मुहैया कराने के लिए 4650 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। ये पहलियां सरकारां तो ही चलती आ रही है मुफ्त बिजली, उसनू अगे जारी रखा गया। 1 लाख तो ज़्यादा किसानों की कर्जा माफ़ी लई 1186 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। किन्ने किसानों का कर्जा माफ़ होएगा इस नाल ये देखना होगा, क्योंकि 90,000 करोड़ चाहिए ने। बेजमीने खेत मजदूरों के 526 करोड़ रुपए कर्ज माफ़ी लई 1712 करोड़ रुपए नाल ही जड़े वो भी ऐलाने गए ने। सर्वोत्तम साहित्यक पुस्तक पुरस्कार की राशि 21,000 तो वधा के 31,000 रुपए कर दी गई है। पंजाबी साहित्य रत्न पुरस्कार की राशि 10 लाख तो वधा के 20 लाख रुपए कर दी गई है। श्रोमणी पुरस्कारों की रकम 5 लाख तो वधा के 10 लाख रुपए कर दी गई है। स्कूल सिक्ख्या के लिए 11,861 करोड़ रुपए रखे गए ने। नवे बस स्टैंड स्पीकर साहब, ये भी बड़े MLAs की मांग सी, और ये रूपनगर, धर्मकोट, मुल्लापुर, जीरा, सर ये वास्ते 250 करोड़ रुपया नवे बस स्टैंड वास्ते रखा गया। और स्पीकर साहब 150 करोड़ दिया नवीं बसा जड़िया सरकार इस साल लेगी। और मैं स्पीकर साहब जी गल कही सी कि फ्री ट्रांसपोर्ट लेडीज़ वास्ते नहीं बल्कि स्टूडेंट्स वास्ते भी है।